सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत की पहले ट्राई सर्विस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन के बारे में, जिसके बारे में हमने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था। और आज के इस वीडियो में हम आपको इस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन से जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सन 2012 में फॉर्मर ब्यूरोक्रेट नरेश चंद्र की अध्यक्षता में 14 मेंबर्स वाली टास्क फोर्स कमेटी ने भारत सरकार के सामने एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उभरते हुए खतरों का और भी प्रभावी तरीके से सामना करने के लिए तीन खास तरह की ट्राई सर्विस डिविजन को स्थापित किए जाने की जरूरत है। और इन तीन खास डिविजन में साइबर डिविजन, स्पेस डिविजन और एक स्पेशल ऑपरेशन डिविजन शामिल थी। और इन तीन खास डिविजन को स्थापित किए जाने का प्रमुख उद्देश्य था ताकि इंडियन आर्म फोर्सेज की तीनों सर्विसेज के एक्सपर्ट्स संयुक्त रूप से मिशन पे काम करें। और जो ये स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन है, इसका पूरा नाम आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन होगा, जो अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशन कमांड सील की तरह ही कैपेबल होगी। ये स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ यानी कि IDS के तहत आएगी। और इस डिवीजन को बनाने का प्रमुख उद्देश्य है ताकि जो स्पेशल ऑपरेशन के दौरान एक तनाव रहता है, वो तनाव इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों स्पेशल फोर्सेस के बीच बराबर और तालमेल के साथ आएगा। क्योंकि वर्तमान समय में इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों स्पेशल फोर्सेस यानी कि पैरा, मार्कोस और गरुण अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं, लेकिन इस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन में ये तीनों स्पेशल फोर्सेस एक साथ ही काम करेंगी और इनकी ट्रेनिंग भी एक साथ ही होगी। और ये डिवीजन देश के अंदरूनी हिस्से के साथ साथ बाहर भी आयोजित किए जाने वाले सभी स्पेशल ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार होगी। और इनके मिशंस में स्ट्रेटेजिक इंसुलेशंस को टारगेट करना, आतंकी गतिविधि जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को एलिमिनेट करना और साथ ही दुश्मन की वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज को विकलांग बनाने जैसे मिशंस शामिल होंगे। यानी कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके जो मिशंस होंगे वो पूरी तरीके से जोखिम से भरे होंगे। और इसीलिए इस डिवीजन में इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों स्पेशल फोर्सेस के सबसे बेस्ट कमांडोज लिए जाएंगे, लेकिन इसमें अधिकतर कमांडोज इंडियन आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्स से शामिल होंगे। और पूरी तरीके से स्थापित होने के बाद इस डिवीजन में करीब 3000 के आसपास कमांडोज तैनात रहेंगे। और इस डिवीजन को एक और खास उद्देश्य के साथ बनाया जा रहा है, और वो ये है कि जो हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों स्पेशल फोर्सेस हैं यानी कि पैरा स्पेशल फोर्स, मार्कोस स्पेशल फोर्स और गरुण स्पेशल फोर्स, इन तीनों का फुल पोटेंशियल अभी भी बाहर नहीं आया है, क्योंकि अलग अलग काम करने की वजह से इनके मिशंस भी आपस में डिवाइड हो जाते हैं। और इसीलिए नरेश चंद्र की कमेटी ने फैसला लिया था कि इन तीनों स्पेशल फोर्सेस के फुल पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए इन्हें एक ही डिवीजन के अंदर शामिल किया जाएगा, ताकि ये एक साथ मिलकर बड़े से बड़े कवर्ड ऑपरेशंस या किसी भी एंटी टेररिस्ट मिशंस को अंजाम दे सकें। और इस डिवीजन के जितने भी कमांडोज हैं उन सभी को खास तरह की वेपनरी से इक्विप किया जाएगा, जिनमें एडवांस गन्स के साथ साथ स्नाइपर राइफल्स, मिडिट सबमरीन्स, स्पेशल कम्युनिकेशन सिस्टम, थर्मल साइट, हेलीकॉप्टर्स और ऐसे ही सारे जरूरी इक्विपमेंट्स इनके पास रहेंगे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से अधिकतर इक्विपमेंट्स इजराइल, जर्मनी, स्वीडन, रशिया और फिनलैंड से खरीदे जाएंगे। और चूंकि इस डिवीजन में इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज की स्पेशल फोर्स के कमांडोज रहेंगे, तो इसीलिए ये डिवीजन किसी भी प्लेटफॉर्म में किसी भी मिशन को अंजाम देने में सक्षम होगी, यानी कि हवा, पानी या जमीन। और जैसा कि हम आपको डिफेंस अपडेट में बता चुके हैं कि इस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन के पहले हेड के तौर पर मेजर जनरल AK ढिंगरा को नियुक्त किया गया है, जो खुद ही स्पेशल फोर्सेस वेटरन है और साथ ही उन्होंने अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशन कोर्सेज को भी पूरा किया है। बाकी आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भारत की तीन सबसे बेहतरीन स्पेशल फोर्सेस एक साथ काम करेंगी तो वो कमांडोज की डिवीजन कितनी खतरनाक होगी, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने पैरा, मार्कोस या फिर गरुण स्पेशल फोर्स के बारे में ना सुना हो। लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई ऐसा है जो इनके बारे में और भी जानना चाहता है, तो हम इन तीनों स्पेशल फोर्सेस पर अलग अलग वीडियोस बना चुके हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।